बजट में भविष्य को समेटने की कोशिश, तात्कालिक नहीं दूरगामी बदलाव का संदेश दे रहा बजट। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार का नवा बजट पेश हो गया है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान सामने आई चुनौतियों से मुकाबले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रणनीतियों का भी खुलासा हो गया है। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसने भविष्य को अपने भीतर समेटा है और तात्कालिक की बजाय दूरगामी बदलावों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को तैयार करने का जोखिम उठाया है। तात्कालिक तौर पर कहा जा सकता है कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन आज से 2 या 3 साल बाद इस बजट से मिले फायदों को गिनते हुए उंगलियां थक जाएंगी। इस आम बजट के विभिन्न पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संक्रमण काल का दूसरा बजट मंगलवार को पेश किया है, लेकिन इस बजट की खासियत क्या है या ग्लैमर पॉइंट कौन सा है, इसकी तलाश की जा रही है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई पर काबू पाने, रोजगार बढ़ाने के कोई खास उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सरकार ने कुछ नई चुनौतियों पर जरूर ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी लाने, आयकर दाखिल करने में हुई गड़बड़ियों में सुधार के लिए 1 के बजाय 2 साल का समय देने की घोषणा की है। छापे के दौरान जब्त संपत्ति में भी सरकार ने कोई सेटलमेंट नहीं किए जाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ और हर साल 25,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 2 भरोसा दिया है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2.37 लाख करोड़ के बजट की व्यवस्था की है। दूसरा, ऑर्गेनिक खेती और खासकर इसे गंगा नदी के किनारे बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय के दायरे को भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन किसान और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की दिशा में बजट में कुछ संतोषजनक नहीं है। मनरेगा के बजट को भी सरकार ने कम किया है। किसानों को क्या मिला है इसे लेकर किसान नेता कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। सरकार द्वारा धान गेहूं के MSP पर खरीद के डिजिटल भुगतान को झुंझुना बता रहे हैं। किसान कहते हैं कि सरकार को 23 MSP वाली फसलों को ही डिजिटल सिस्टम से जोड़ देना चाहिए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कोरोना काल के दौरान स्कूली शिक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों का असर साफ दिखाई पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, ई विद्या के विस्तार की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, 200 चैनल के माध्यम से शिक्षा को धार देने की घोषणा की है। ITI में ड्रोन स्किल की शिक्षा देने, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने पर जोर दिया है। बजट में वित्त मंत्री की घोषणा से साफ है कि सरकार पर खर्च घटाने का भारी दबाव है। राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है। इसमें रोजगार बढ़ाने के कोई खास उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं। 25,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण, MSME को 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता से कुछ सहूलियत आ सकती है, लेकिन इससे रोजगार की दिशा में कोई तेजी आने की संभावना कम है। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य को मंत्र के तौर पर अपना लिया है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा हुई है। ये सब उपाय देश पर पड़ रहे बेरोजगारी के दबाव को कम करने में नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। सरकार खर्च के दबाव को महसूस कर रही है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि अगले साल तक इसे कम किया जाएगा। उससे साफ है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भी महंगाई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। हालांकि सरकार ने सामाजिक आर्थिक बजट के क्रम में नए वित्त वर्ष में 5.5 लाख करोड़ घरों में जल से नल और 48,000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर बजट में आय बढ़ने के साधनों का अभाव दिखाई पड़ रहा है।
पिछले कई साल से मध्यम वर्ग के हाथ लगातार खाली हैं, सामान्य बाजार में रौनक गायब है, औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना काल में हुई बड़े पैमाने पर छंटनी, नए रोजगार के अवसरों में कमी तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता बरतने से दबाव महसूस कर रहा है। मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं के खाते में कुछ भी नहीं आया। टैक्स में छूट, टैक्स अदायगी की सीमा में 80C के तहत छूट जैसे प्रावधानों में केंद्र सरकार ने किसी बदलाव की कोई घोषणा नहीं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि आयकरदाताओं ने अच्छा योगदान दिया। केंद्र सरकार के खजाने में GST से 1.40 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली हुई, लेकिन मध्यम वर्ग के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। क्या है बजट 2022-23 की मुख्य बातें? भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 साल भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। PM गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पाद सर्वधन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य निवेश को वित्तीय मदद। PM गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध, बहुपक्षीय, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को PM गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। इसमें विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रेल मार्ग स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन। केन बेतवा परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। MSME उद्यम ईश्रम NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 130 लाख MSME को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। कौशल विकास ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड लॉन्च किया जाएगा।
ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा, पीएम ई विधा के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 2000 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकास किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्ता पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देख रेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2,00,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन, कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी, मतलब क्रिप्टो करेंसी पर भी दर 30% टैक्स लगेगा। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती। लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा के ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से TDS देय होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा। रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। बजट की बारीकी को जानने और समझने के लिए पढ़िए आजाद सिपाही अखबार। धन्यवाद।